हिलाल की पैदाइश है तुम्हारी। चुप, हरामी कहेगा, चुप, हरामी कहेगा। आज तक आपने सड़कों पर आम लोगों को लड़ते हुए देखा होगा, गाली गलौज करते हुए सुना होगा। जमीन जायदाद के विवाद में भी लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर कुछ अनोखी है, क्योंकि जो जनता को नियम कानून का पाठ पढ़ाते हैं, जनता के लिए नियम बनाते हैं, जनता ही उनको चुन कर पहुँचाती है कि वो हमारी तकलीफ़ों को सुनेंगे और उसको लेकर नियम बनाएंगे, हमें राहत देंगे। जनता के जन प्रतिनिधि जब आपस में लड़ बैठे, विधायिका जो लोकतंत्र का एक स्तंभ है, जब उसी के सिपाही आपस में लड़ बैठे और वो भी गाली गलौज करने लगे, तो फिर आम जनता क्या ही करेगी। मामला विधानसभा के बाहर का है। बिहार में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान भाजपा के दरभंगा के विधायक संजीव सरावगी और राजद के मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं और जूते से मारने तक की बात कर रहे हैं। अब एक बार देखें तस्वीरों में किस तरीके से दो विधायक ही आपस में लड़ बैठे हैं। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप, हरामी कहेगा, चुप, हरामी कहेगा। तेल मिलावटी करके बेचता साला कमाता है, भाई हमको सुनता करेंगे, मारेंगे तो पहले ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से जो विधायक है, दोनों विधायक, वो दोनों खुद ही आपस में लड़ बैठे हैं और एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, सदन के अंदर भी इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन अध्यक्ष की ओर से इन शब्दों को सदन से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सदन शुरू होने से पहले ही दोनों विधायक आपस में लड़ते हुए नजर आए हैं। दो विधायक जो लोगों के लिए नियम बनाते हैं, शराबबंदी कानून जैसे कानून बनाते हैं जिससे बिहार बेहतर हो सके, जब वो दोनों खुद ही आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे और नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, तो ये तस्वीरें कुछ अलग ही बयां करती है। हालांकि दोनों अलग अलग दलों के हैं, एक सत्ता पक्ष के हैं, एक विपक्ष के हैं, लेकिन इस तरह की बातें उनके मुंह से शोभा देती है या नहीं, ये हम दर्शकों से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि विधायक इस तरह की बातें करते हैं ये कितना उचित है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहे दैनिक न्यूज़।